फिरोजाबाद थाना रामगढ़ क्षेत्र के जाटापुरी चौराहे पर ऑटो रिक्शा से उतरते समय पति पत्नी को तेज गति से आ रही रोडवेज बस ने रौंद दिया, जिसमें दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। बस के ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया, जिसे बाद में पुलिस को सौंप दिया। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी वहां पहुंच गए। गुस्साई भीड़ ने जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस के आला अधिकारियों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया। जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि जाटापुरी चौराहे पर रोडवेज बस से दुर्घटना हुई है। भीड़ भारी तादाद में इकट्ठा हो गई है। समझाने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों लोगों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पता नहीं मुझे, मैं तो अभी घर से आया हूं भाई। आपके कौन है? मेरे मम्मी पापा हैं। किस तरह से एक्सीडेंट हुआ? अब पता नहीं, रोडवेज से हुआ है। नाम क्या था इनका, एक्सीडेंट हुआ है? वकील और नजरीन। कहाँ से आ रहे थे ये? अपने घर से आ रहे थे। किस जगह एक्सीडेंट हुआ है? जाटापुरी पर। कितने बजे घटना थी? अब घटने की तो मुझे मालूम नहीं। 12 सवा 12 बजे। क्या नाम है आपका? मेरा शान मोहम्मद नाम है। क्या मामला हुआ आपकी? मामला ये बस से हुआ सर। कैसे हुआ एक्सीडेंट? कैसे हुआ अब जी मालूम है? तो अभी आया हूँ जो रोड बस से हुआ। कैसे हुआ? क्या नाम? अब जी मेरा नाम शान मोहम्मद, उनके वकील और कहते सनीना। कहाँ से आ रहे थे? अजय घर से आ रहे थे। अभी रामगढ़ रहते हैं। रामगढ़ रहते हैं। जहाँ आ रहे थे? ये कौन ही नहीं आए थे बाजार। किस जगह पर हुआ है ये? इसी जगह हुआ है, सामने जाटापुरी पे। बॉडी को ले जा चुका? हाँ बॉडी ले आ रहे हैं। तो बस हम मना कर रहे हैं तो भी सर मोड़ ले आ रहे हैं। इंसाफ कुछ चाहिए हमें, बस ये बॉडी नहीं जाए हमारे। एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ? बस बाइक पे। बाइक पे नहीं, पैदल थे सच्चे, पैदल थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।